बिग बॉस 14 के घर में पति धर्म निभाने नहीं गेम खेलने आए हैं अभिनव शुक्ला। और इन सारी बातों पर ऑडियंस का क्या कुछ रिएक्शन आया है, किसने कहा है कि इन्होंने सही कहा या फिर गलत, चलिए आपको बताती हूँ पूरी बात इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस 14 के घर में एंट्री हुई है मैरिड कपल की, अभिनव शुक्ला और रूबीना दिलैक की। तो घर के अंदर एक रिलेशनशिप टेस्ट होता है दोनों के बीच में, और हम जैसे कि जानते ही हैं कि नॉमिनेशन टास्क जीते हैं अभिनव शुक्ला और उन्हें इम्यूनिटी मिली है। तो बिग बॉस उन्हें एक मौका देते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को सेक्रीफाइस करके वो रूबीना दिलैक को घर के अंदर एंट्री दे सकते हैं, और उनके माथे पर जो रिजेक्टेड का एक मार्क है वो हटाने का। लेकिन ज्यादा टाइम ना लेते हुए वो ठुकरा देते हैं इस ऑफर को और साफ साफ मना कह देते हैं। और इन सारी बातों पर जो रिएक्शन आया है जिस तरीके का ऑडियंस के तरफ से, वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ का कहना है कि सही किया, कुछ का कहना है कि गलत का, लेकिन सबसे ज्यादा जो पलड़ा भारी है वो है सही वालों का। उनका कहना है कि बहुत सही किया, क्योंकि घर के अंदर आप गेम खेलने आए हो और आपको इंडिविजुअली ही खेलना है। दोनों पावर कपल हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आगे तक जाएंगे। और कुछ का कहना है कि बहुत ज्यादा अमेजिंग कपल हैं, और जो डिसीजन लिया है अभिनव शुक्ला ने काबिले तारीफ है, क्योंकि आप घर के अंदर एज अ गेम खेलने आए हो ना कि रिलेशनशिप बनाने, क्योंकि जीतना तो भाई किसी एक को ही है। और कुछ का कहना है कि दे देना चाहिए था, एक बार तो दे ही देना चाहिए था, ये सारी चीजें लोग बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मुझे बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि ये जो डिसीजन लिया अभिनव शुक्ला ने इम्यूनिटी सेक्रीफाइस ना करने का रुबीना के लिए, ये आपको सही लगा या फिर गलत? अगर गलत लगा तो क्यों, सही लगा तो क्यों, कमेंट सेक्शन में सारी बातें मुझे बता दीजिए। और देखते रहिए फिल्म विंडो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।